Now today in this class we will learn how to draw bar graph. बताया गया था कि bar graph क्या होते हैं भाई, कि कुछ rectangles जैसे shape के through कुछ data को represent किया जाता है, तो उसी bar graph को बनाना हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे। लेकिन bar graph बनाने से पहले कुछ basic चीजें हैं जो हमको पता होनी चाहिए। जैसे ग्राफ जब भी बनता है एक प्लेन में बनाएंगे आप भाई, कॉपी पर बनाएंगे तो कॉपी इज ए प्लेन, वो एक प्लेन फिगर होगा। तो इस प्लेन फिगर के दो एक्सिस होते हैं, ठीक, दो लाइंस आपको दिख रही होंगी, एक वर्टिकल लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एक्सिस और इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन ऑफ एक्सिस। इसे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इन दोनों का जो ये मीटिंग पॉइंट है जहां पर ये क्रॉस कर रहा है दैट इज नोन एज ओरिजिन। याद रहेगा, आपकी बुक में भी मैं स्टोर कर रहा हूं कुछ चीजें ताकि क्लियर होता चले एक एक टॉपिक, क्या क्या है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस, एक वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। वी विल ड्रॉ बार्स क्वेश्चन के लिए बनाया है, तो हमको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखना है वो हम देखेंगे अभी। अब इसमें ख्याल क्या रखना है, जैसे इसके क्वेश्चन को ही शो कर देता हूं एक मिनट के लिए, ये देखिए। बार ग्राफ बनाना है, अलग अलग कंट्री के ये स्टैम्प्स का रिकॉर्ड है, जर्मनी का इतना, इंडिया का इतना, जापान का इतना, किसी बच्चे ने इसको कलेक्ट किया है अलग अलग कंट्री का, इसको हमको बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। तो दो चीजें हमको मिल रही है, एक कंट्री, एक नंबर ऑफ स्टैम्प्स। अब देखिए इसे कैसे बनाते हैं। अब देखिए जब हमें इस ग्राफ को बनाना होगा तो हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, एक वर्टिकल लाइन चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर कंट्री को रिप्रेजेंट किया और वर्टिकल लाइन पर नंबर ऑफ स्टैम्प्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये देखिए लिखे हुए, ठीक। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि नंबर ऑफ स्टैम्प्स तो भाई बहुत ज्यादा ज्यादा नंबर दिया है, सबसे ज्यादा कितना नंबर दिया है देखिए तो क्वेश्चन में, आप लोग अपनी बुक में 50 तो अब 50 स्टैम्प्स बनाने के लिए इस पर 50 लाइंस हमको ड्रा करनी पड़ेगी, तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया भाई, बहुत बड़ा ग्राफ बन जाएगा। तो इसके लिए हम लोग एक स्केल मानते हैं, स्केल को हिंदी में कहते हैं पैमाना, ठीक है। मतलब अपने ग्राफ को इतने बड़े में बनाने के लिए एक स्केल मान लेते हैं। तो क्या स्केल इन्होंने देखिए माना, एक यूनिट लेंथ मतलब 5 स्टैम्प्स, एक यूनिट लेंथ को उन्होंने 5 स्टैम्प के बराबर मान लिया। अब यूनिट लेंथ क्या होती है ये भी समझ लीजिए, ये देखिए ये ग्राफ पेपर है, आप सबने इस ग्राफ पेपर को देखा होगा। ये ग्राफ पेपर में देखिए सब स्क्वायर बने हुए हैं, देख पा रहे हैं आप? यस सर। हाँ, और अगर मान लो हमको बेटा इस पर ग्राफ ड्रा करना है तो हम एक एक्स एक्सिस ड्रा करेंगे, एक वाई एक्सिस ड्रा करेंगे, कहीं भी बीच में से भी कर सकते हैं। इधर मान लीजिए इसको ओरिजिन पॉइंट मान लिए इसको, तो इधर से इस साइड हॉरिजॉन्टल लाइन और ऊपर की ओर वर्टिकल लाइन ड्रा कर लिए। तो मैं इसको समझाने के लिए कॉर्नर ही ले रहा हूं। अब इस पर क्या किया इन्होंने, नीचे वाली लाइन को कंट्री रिप्रेजेंट किया, ऊपर वाली लाइन को नंबर ऑफ स्टैम्प्स। अब देखिए कर
लेंथ का मतलब हो गया ये एक बॉक्स, सर आपकी वॉइस फर्स्ट। ठीक, अब देखिए बेटा, अब क्या किया इन्होंने, अब भाई 50 लाइंस कहां से हम ड्रा करेंगे, तो इन्होंने कहा कि ये जो यूनिट लेंथ है इसको हम मान लेते हैं, तो एक यूनिट लेंथ में 5 स्टैंप उन्होंने मान लिया, तो यहां हम लिखेंगे 5 10 15 20 25 30, या और छोटा ग्राफ बनाना है तो आप मान लेते हैं एक यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 10 स्टैंप्स, तो यहां 10 20 30 40 50 तक आ जाता, तो हम अपनी जरूरत के अनुसार स्केल मान सकते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया है, अब दिखा रहा हूं क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में इन्होंने 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्टैंप्स मान लिया, तो अब 5 स्टैंप्स मान लिए तो ओरिजिन तो 0 ही था, 5 10 बराबर बराबर दूरी पर निशान लगा दिए। अब जर्मनी के पास जितना था 20 स्टैंप था, तो यहाँ 20 स्टैंप पर तक निशान लगाकर एक रिक्टेंगल बना लिए और इसमें कंट्री नेम लिख दिया जर्मनी। इसी तरह इंडिया का था उसके पास 50, तो 50 तक का निशान लगा के एक बार ग्राफ बना लिए, इसी तरह बाकी सबका भी। तो चलिए पहले एक एग्जांपल यही बोर्ड पर मैं ड्रा करने की कोशिश करता हूँ उसी एग्जाम्पल को। तो वन यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्टैंप, उन्होंने माना स्केल। जब भी हम ग्राफ ड्रा करते हैं बेटा, तो एक स्केल हमको मानना पड़ता है, क्योंकि वैल्यू बहुत ज्यादा ज्यादा दी रहेगी, तो उसको कुछ पर्टिकुलर लेंथ ना मानकर करेंगे ना, तो क्या होगा कि बहुत बड़ा ग्राफ बन जाएगा। तो एक स्केल बना लिया जाता है कि भाई वन बॉक्स का मतलब इतने स्टैंप, तो एक बॉक्स का पता चल गया तो 10 बॉक्स होंगे, तो इनटू 10 कर देंगे, तुम्हारे 5 स्टैंप माना, मान लेते हैं ये 5, अगले बॉक्स पर 10 हो जाएगा, तो उतना उतना ही बराबर दूरी रहेगा, 50 20 25 30 35। अब देखिए अब ज्यादा मान रहा है, जरूरत है इसको मैं आगे तक बना रहा हूं, 45 एंड 50, इतना मैंने यूनिट लेंथ देखे बराबर बराबर दूरी में निशान लगा दिया कि यहां से यहां तक की लेंथ 5 स्टैंप को रिप्रेजेंट करती है, तो यहां से यहां तक फिर 5 हो जाएगा, तो इसी में 5-5 जुड़ जाएगा। इधर कंट्री बन रहा है, इधर भी बराबर बराबर डिस्टेंस को निशान लगा देते हैं, 1 2 3 4 5, आप यहां भी कंट्री का नाम लिख सकते हैं, जैसे उस फिगर में बार ग्राफ में नाम लिखा था, जरूरी नहीं है आप नीचे भी नाम लिख सकते हैं। क्वेश्चन था जर्मनी, जर्मनी क्या स्टैंप उसके पास बच्चे के पास 20 थे, यहां पर निशान लगा लिए 20 के सामने और इसके सामने, देखिए 20 से इधर और इसके सामने यहां हमने निशान लगा लिया, अब ये रेक्टेंगल ड्रा कर दिए ऐसे इसके की हेल्प से, तो ये जर्मनी को रिप्रेजेंट कर रहा, मान लीजिए कि उसका नाम है लिखना मैं जी। फिर इंडिया, इंडिया का उसके पास 50 स्टैंप था, इंडिया का 50 स्टैंप था बेटा, तो इसके ठीक ऊपर जाएंगे ऐसे और 50 के सामने निशान, ठीक। अब यहां मैं रिप्रेजेंट इसके की हेल्प से हम लोग ड्रा करेंगे ये ग्राफ, ये बार ग्राफ इंडिया का कितना स्टैंप है उसके पास इसको बता रहा है, तो इसको आई लिख दीजिए चाहे ऐसे लिख दीजिए या कुछ अपना नाम लिख सकते हैं इसमें ऐसे करके इंडिया, जैसा कि बुक में भी दिया हो इंडिया, इसी तरह जर्मनी उसमें लिख सकते थे। फिर जापान के कितने स्टैंप है कोई बताएगा? 35। इस वाली लाइन के ऊपर जाइए और 35 से ऐसे इधर से इधर, 35 से इधर, यहां दोनों मिले,
यानी ये पॉइंट हमारा 45 डिग्री का है, तो यहां से ये वाला इसी को थोड़ा सा चौड़ा कर दे रहे हैं दोनों साइड जाने के लिए, ये जापान को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फिर चाइना के 40 स्टैम्प्स, तो 40 इसके सामने से और इसके सामने से हम ले जाएंगे, यहां नहीं आएगा, यहां पॉइंट लगा लेंगे और एक रेक्टेंगल ड्रा कर देंगे यहां पर ऐसे, ये चाइना के स्टैम्प्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक हो गया इटली, तो इटली का भाई कितने स्टैम्प्स है, 25, तो 25 के सामने और इस वाले के सामने से ऐसे चलाएंगे यहां, और यहां पर एक रेक्टेंगल ड्रा कर देंगे, कर पाएंगे ऐसा। इटली है तो मान लो आईटी लिख दिए इटली, या इसके अंदर नाम लिख दीजिए जैसे बुक में दिया है, विल यू सॉल्व इट? यस सर, यस सर। अभी आगे से क्वेश्चन भी बताऊंगा, लेकिन आप कर लेंगे इस तरह से ना, मतलब इसमें इंपॉर्टेंट चीज यही है स्केल माना, हो सकता था किसी स्टूडेंट का मन करता कि लोग ये रेक्टेंगल में एक्स एक्सिस पर नहीं बनाऊंगा, मैं वाई एक्सिस पर बनाऊंगा, तो वो स्टूडेंट क्या करता, ये जो नंबर आप स्टेप यहाँ लिखना भी पड़ता है ऐसे अलग लगा देंगे, यहाँ कंट्री है और यहाँ पर एरो लगा के लिखेंगे नंबर ऑफ स्टैम्प्स, ऐसे ये पता चलना चाहिए कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसे एरो लगा दिए ये कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा और ऐसे एरो लगा दिए यानी नंबर ऑफ स्टैम्प को रिप्रेजेंट कर रहा। किसी स्टूडेंट का मन हो सकता है कि नहीं सर आप जो बताए मैं वैसे ही थोड़े कर लूंगा, ठीक है भैया अपने मन से कर लो कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हो कंट्री को इस पर दिखा दो और नंबर ऑफ स्टैम्प्स को इस पर दिखा दो, तो बस डिफरेंस क्या है, जो बार ग्राफ ऐसे बना हुआ है वो बार ग्राफ ऐसे बनेगा ना, ऐसे बनेगा, सही है, मैं देखता हूँ शायद मेरे पास, हाँ ये देखिए किसी क्लास का मैंने बना रखा है, ये देखिए इन्होंने वाई एक्सिस पर बना दिया है रिक्टेंगल बार ग्राफ, एक्स एक्सिस पर नहीं बना वाई एक्सिस पर बना दिया, ठीक है, देख पा रहा हूँ मैं आप लोग, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, बस स्केल सही होना चाहिए और सही ढंग से ड्रा करने आना चाहिए। तो क्या क्या सीखे हम लोग, इम्पोर्टेंट चीज अभी कि सबसे पहले तो आपको दो एक्सिस ड्रा करना है, एक एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वाई एक्सिस, ठीक। दूसरा चीज आपको स्केल मानना है कि जो भी चीज दिया है उसकी एक वैल्यू मान ले कि एक यूनिट लेंथ में इतना सामान होगा और उसी के अनुसार मार्किंग करेंगे। जैसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन इसी तरह ग्राफ पेपर पर करना है और हर क्वेश्चन के लिए अपनी आंसर कॉपी में इस तरह से बनाकर पेस्ट करना है। देखिए मैं वर्कशीट टू आप लोग की बुक में वर्कशीट टू है ये, देखिए द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट क्लब्स इन ए स्कूल, प्रिपेयर ए बार ग्राफ यूजिंग द स्केल, ठीक, और इसमें यूनिट लेंथ दे भी दिया कि वन यूनिट लेंथ का मतलब 20 स्टूडेंट। तो चलिए इस बार ग्राफ को जरा रफ पर आप लोग बनाइए मेरे साथ साथ, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व हम कर रहे हैं
हम क्या कर रहे हैं, x एक्सिस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट कर दे, थोड़ा और उस बात से अलग, आप चाहते तो यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट कर सकते थे, आप चाहते तो क्लब को यहाँ कर सकते हैं। अब क्या कर रहा है कि वन यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 20 स्टूडेंट, तो यहाँ से ऑलरेडी दे दिया आप लोगों को, और अब से मानना है 20 स्टूडेंट, वन यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 20 स्टूडेंट। तो चलिए 20-20 नंबर पर हम लोग मार्किंग कर लेते हैं। अब जैसे अगर आपको मान लीजिए इसमें बनाना रहेगा जब ग्राफ पेपर पर, तो भाई आप क्या करते हैं, एक छोटे स्क्वायर को वन यूनिट मान रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए 10 लिखा हुआ है वन यूनिट पर, तो आप अब 20 लिखेंगे, एक बॉक्स जो स्क्वायर वाला है उसके बराबर पर, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ देखिए 20, तो इतनी दूरी पर यहाँ रहेगा 50, 60, एक एक यूनिट पर 80, 100, 120, यहाँ तक गया है भाई, मैक्सिमम नंबर 180 तक है, 180 तक है, 150, 160 और यहाँ पर 180, यहाँ तक है। एक और चीज क्लियर कर दें, जरा सा इस ग्राफ को ध्यान से देखिए जो मैं शो कर रहा हूं, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब देखिए यहां पर ये जो एक बॉक्स है इसको हमने इस ग्राफ में 10 लिया है, 10, तो अगर इसके आधे यानी यहां पर देखिए एक लाइन दिख रही होगी, देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 बॉक्स के ऊपर, तो ये हाफ हो गया ना। तो मान लीजिए 5 का अगर हमको बनाना रहेगा तो इसी पर पॉइंट लगाएंगे, इस वाले जगह पे पेन से शो कर दे रहा हूं, फिंगर बहुत ज्यादा जगह ले रहा यहां, ठीक। तो बीच में अगर आ गया कि नहीं 35 है या 45 है, तो हम उसके आगे का हाफ पर लगा देंगे निशान। चलिए तो हमने 180 तक मार्किंग कर लिया, अब हमारे सामने यहाँ पर भी मार्किंग कर लेते हैं, कितने क्लब्स है भाई, 6 क्लब्स, तो बराबर बराबर दूरी पर 6 क्लब्स कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 क्लब्स हो गए। पहला क्लब है मैथमेटिक क्लब में 150 स्टूडेंट्स है, 150 कहाँ होगा, 140 और 160 के बीच में, तो यहां निशान लगा लीजिए ना, ये 150 होगा। आप इस तरह सिंपल पेपर पर नहीं बनाएंगे, आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे, समझाने के लिए मैं बोर्ड पर बना रहा हूं। तो 150 वाली लाइन और ये फर्स्ट लाइन, देखिए ये फर्स्ट लाइन और 150 की लाइन आमने सामने जानी चाहिए यहां पर, ये ठीक। तो अब इस तरफ से बनेगा इंटीग्रल ऐसे, ठीक। ये देखिए ये क्लब का नाम था मैथ्स क्लब या मैथमेटिक्स क्लब, हम लिखते थे मैथमेटिक्स क्लब। अब कोई भी देखेगा तो समझ जाएगा कि अच्छा मैथमेटिक्स क्लब में 150 स्टूडेंट है, देखकर समझ में आ रहा है ना। अब लैंग्वेज क्लब, लैंग्वेज क्लब के कितने लोग हैं, यस सर 120, सर 120। तो अब लैंग्वेज क्लब की ये दूसरी वाली लाइन है और इधर 120, इन दोनों को ले जाइए और जहां भी है बिल्कुल ठीक सामने, इधर से भी सामने और इधर से भी सामने, तो यहाँ पर आ रहा है ठीक। अब यहाँ एक रेक्टेंगल बना दीजिए, एक बार बार ये हो गया लैंग्वेज, लैंग्वेज इसी तरह नेक्स्ट है
140 साइंस क्लब्स, 140 है, इससे भी सामने होगा और इस वाले लाइन के सामने इधर 140 के सामने यहाँ पे आवर यहाँ एक बार ग्राफ खींचेंगे। ये हो गया साइंस क्लब। मेहमत समझ में आ रहा है आपको? श्रद्धा? यस सर। क्लियर है? आधा बना लेंगे आप ग्राफ पेपर पर? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्लब है डांस एंड म्यूजिक क्लब 180। सबसे ज्यादा इसके बच्चे हैं, तो इस फोर डांस वाले की हमने किया इधर 180 इसके सामने यहाँ कर रहा है। तो यहाँ पर एक बार का डांस एंड म्यूजिक कोर्स, डांस एंड म्यूजिक कोर्स। ओके, फिर नेक्स्ट है आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब में 100 लोग, 100 यहाँ है और ये वाले यहाँ है, तो इसके सामने 100 के निशान लगाएंगे, यहाँ पर मार्किंग करेंगे, यहाँ एक रेक्टेंगल बन जाएगा आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब। आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब और उसके बाद कंप्यूटर क्लब में 120 बच्चे हैं। ये लाइन इधर आएगी और ये लाइन 120 वाली यहाँ पर, एक इसके ऊपर मार्किंग करिए और ये मिलाइए कंप्यूटर क्लब। अगर कोई स्टूडेंट क्लब को एक्स एक्सिस पर लेता और नंबर ऑफ स्टूडेंट को वाई एक्सिस पर लेता तो यही ग्राफ इस तरह से सीधा सीधा आ जाता। तो ग्राफ आप अपने हिसाब से ड्रा कर सकते हैं, बस ये इंपॉर्टेंट चीज होती है कितने यूनिट, मतलब एक यूनिट में कितने स्टूडेंट्स या कितनी चीजें ले। ओके, अलाउ यू आर एबल टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। कोई नहीं है मरूंगा, समझ ही नहीं आया। यस, नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग, क्या मतलब समझा गया इसका? देखिए मेरी आवाज आ रही है, क्लियर करिए पहले। ये देखिए एक किसी क्लास का ग्राफ है बेटा, ये देखिए अलग अलग मंथ में कितना कितना टेम्परेचर होता है उसके लिए ये बार ग्राफ तैयार किया गया है। इसमें एक्स एक्सिस ड्रा किया गया, वाई एक्सिस ड्रा किया गया, वाई एक्सिस पर इन्होंने मंथ दिखाया है और एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर, और देखिए क्या स्केल मान लिया इन्होंने, एट वाई एक्सिस वन स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। वन स्मॉल डिवीजन यानी ये जो बड़ा वाला बॉक्स है ना, आप इसको देखेंगे ध्यान से तो इसमें 10 छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, दिख रहा है? Yes, sir. देखिए किनारे किनारे 10 बॉक्स है और भी बहुत से बॉक्स है, तो उन्होंने एक स्मॉल डिवीजन को 1 डिग्री मान लिया, तो इससे यहां तक 10 डिग्री, यहाँ 20, 30, 40, 50 डिग्री दिखा दिए और उसके बाद देखिए बार ग्राफ इन्होंने ड्रा कर लिया अलग अलग मंथ में कितना कितना टेम्परेचर है। तो इसी तरह का कुछ क्वेश्चन आपका अब सेकेंड वाला है। ये देखिए द फॉलोइंग टेबल शोज द सर्कुलेशन ऑफ न्यूज पेपर इन एट लैंग्वेजेस। एट लैंग्वेज में ये न्यूज पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोग।
तो इसके लिए एक बार ग्राफ बनाना है विद ए सुटेबल स्केल। तो एक बात बताओ कि मान लीजिए वाई एक्सिस पे नंबर आप न्यूज़पेपर दिखा देंगे, एक्स एक्सिस पर लैंग्वेज दिखा देंगे, लेकिन यून स्केल क्या माने भाई, 1400 यूनिट तक तो जा नहीं सकते लाइन से, तो क्या स्केल मानेंगे आप लोग बताइए। सर 10। 10 भी मानेंगे तो भी 140 लाइंस, 160 लाइंस ड्रा करनी पड़ेगी सर, और बड़ा नंबर लो। आप सीधे लीजिए 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 200 न्यूज़पेपर। जब हम लोग मान लेंगे कि 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 200 न्यूज़पेपर, तो देखिए इसकी लेंथ हो जाएगी 1, इसकी 3, डिवाइड कर देंगे 200 से, जो यूनिट लेंथ लेते हैं उसी से डिवाइड कर देते हैं। 8 वाला हो जाएगा 4 लाइन तक, 400 वाला 2 लाइन तक, 1600 वाला 8 लाइन तक, और 1400 वाला 7 लाइन तक। इस ग्राफ में एक मिनट, अगर हम मान लेंगे कि 1 यूनिट लेंथ, इतनी बड़ी लेंथ जो है इतना 200 न्यूज़पेपर को बताती है, तो यहां से यहां तक 400 हो जाएगा, मतलब 200 के दूरी पर हम निशान लगा लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा ना जी। बताइए समझ में आ रहा है? रुको मैं एक yes, sir. Yes, sir. तो बेटा अब इसमें जब आप 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 200 न्यूज़पेपर्स मान लेंगे, तो फिर उसी तरह ग्राफ बना लेंगे जैसा अभी हम लोगों ने बोर्ड पर बनाया। अगला, प्रिपेयर ए बार ग्राफ फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स इन डिफरेंट फैमिलीज ऑफ ए लोकेलिटी। तो नंबर ऑफ मेंबर्स है और फैमिलीज है, तो यहां देखिए दो, एक एक्स एक्सिस हो जाएगा एक वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ फैमिलीज ले लीजिए और एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ मेंबर्स ले लीजिए। नहीं सॉरी, ले सकते हैं किसी पर कोई भी, ज्यादा वाले को वाई एक्सिस पर ले लीजिए और कम वाले को एक्स एक्सिस पर। तो नंबर ऑफ मेंबर्स एक्स एक्सिस पर हो गया और नंबर ऑफ फैमिलीज वाई एक्सिस पर हो गया। तो अब यूनिट क्या माना जाए भाई? जैसे 20 फैमिली ऐसी है जिसमें एक ही मेंबर है, 100 फैमिली ऐसी है जिसमें दो मेंबर है, 120 फैमिली ऐसी है जिसमें 3 मेंबर है, तो इसको छोटा करना पड़ेगा ना। अपने बार ग्राफ पे 100 तक कैसे लाइन ड्रा करेंगे? तो मान लेते हैं कि 20 मान लेते हैं, 20 अगर लेंगे तो फिर यहाँ प्रॉब्लम होगी 110 को डिवाइड करने में। तो क्या लिया जाए बताइए कुछ सोचकर। देखिए अगर 10 भी ले लेते हैं तो भी सही है कि एक यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 10 नंबर ऑफ फैमिलीज, तो फिर क्या होगा 10, 20, 30, 40, कहां तक हमको जाना पड़ेगा? 10 जा मतलब 100 को डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, 10 से 120 को डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, यानी 12 लाइन तक हम लोगों को मार्किंग करनी पड़ेगी और इधर एक्स एक्सिस पर 8 लाइंस ड्रा करने पड़ेंगे और उसके बाद बार ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। हो पाएगा आप लोगों से? यस सर। यस सर। ये ठीक है। तब इन सारे क्वेश्चंस को जो दोनों मैंने बताया, प्रॉपर यूनिट लेंथ लेकर और ग्राफ पेपर पर इस तरह से हाफ साइज ग्राफ पेपर बना लेंगे और ग्राफ पेपर पर सर कॉपी पे पेस्ट कर देंगे ना बना करके ग्राफ पेपर पर? हाँ कॉपी में, बहुत पूरा चारों तरफ मत गोद लगाइएगा, केवल यहाँ ऊपर की तरफ थोड़ा सा गोद लगा कर लगा दीजिएगा, तो एज ए रिकॉर्ड आपकी कॉपी में भी हो जाएगा और फिर आपको जब भी जरूरत पड़ेगी आप उसे देख पाएंगे। ठीक है, तो कर लेंगे आप लोग तो?
यस सर। ठीक, इससे फायदा क्या हो रहा है इस बार का कि भाई आप देखिए, अगर आप किसी छोटे स्टूडेंट से भी बच्चे से पूछा जाएगा देखकर कि यार बताओ अच्छा कि ये सब देखो क्लब्स की लाइन है, किस क्लब में ज्यादा बच्चे लग रहे हैं, अगर वो नंबर भी नहीं पढ़ पा रहा है तो भी देखकर बता देगा कि ये वाली लाइन बढ़िया भैया, इस वाले क्लब में सबसे ज्यादा बच्चे होंगे। तो कहने का मतलब कि ग्राफ्स के थ्रू, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में, कि जो डेटा होता है उस डेटा को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, उसके पीछे रीजन ये होता है कि इन डेटा को कितनी आसान तरीके से रिप्रेजेंट करें ताकि देखने वाला तुरंत अपने जरूरत की इंफॉर्मेशन पाए। दूसरा, मैगजीन्स वाले और जो बुक्स वाले होते हैं वो तरह तरह के पिक्टोग्राफ या टैली मार्क्स या फिर बार ग्राफ या फिर पाई ग्राफ, बहुत तरह के ग्राफ्स भी होते हैं, तो उन सबको भी अपने बुक्स में मैगजीन्स में जगह देते हैं ताकि जो उनके रीडर्स हैं वो अट्रैक्ट हो उनकी मैगजीन से सब, और लोग बढ़कर आए और उसकी मैगजीन को खरीदे। तो ये सब डेटा को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। ठीक है, तो बात आज इज आल्सो ए वे टू रिप्रेजेंट द डेटा। ठीक है ना, बस और कुछ विशेष नहीं। ठीक है, आज की क्लास में अब इतना ही रहने देते हैं बेटा, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो वी विल स्टार्ट कंस्ट्रक्शन। ओके, थैंक यू, नाइस, हैव अ नाइस, हैव अ गुड, हैव अ नाइस डे सर, हैव अ नाइस डे सर। जी।